व्हाइट आउल स्पार्क जो है वो इसे सीधा कंपटीशन देती है, और कुछ ही दिनों पहले मैंने उसका रिव्यू भी किया था। तो अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आई थिंक मुझे इन माय पर्सनल ओपिनियन हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू छेका। फर्स्टली अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जैसे ही अपना अगला वीडियो रिलीज करूँ। ऑल राइट, सो एज यू ऑल कैन सी टुडे व्हाट वी गोना रिव्यू इज पीरा वाइट। आई नो थोड़ा टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा फरमाइशें आ रही थी मुझे इस पीयर का रिव्यू करने के लिए, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे एंड ऑफकोर्स आवर सब्सक्राइबर फैमिली, वो भी मुझे बोल रही थी कि पीरा वाइट का रिव्यू किया जाए। सो यस, आपकी फरमाइश पे पीरा वाइट के रिव्यू के साथ हाजिर हूँ मैं। तो इससे पहले मैं बीरा स्ट्रॉन्ग का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ और बीरा ब्रांड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, सो आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ और अननेसेसरी वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो आई बटन पे क्लिक करो और बीरा स्ट्रॉन्ग का जो रिव्यू है वो देख लो। बीरा ब्रांड से रिलेटेड स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर आपको चाहिए, आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बीरा वाइट के बारे में। सो ये एक बेल्जियन स्टाइल वीट बियर है, और इससे पहले मैंने इफ़ यू टॉक अबाउट वीट बियर और स्पेसिफिकली इंडिया की वीट बियर की बात करूँ, तो मैंने वाइट आउल स्पार्क का भी रिव्यू किया है जो मैं कह सकता हूँ मार्केट के अंदर बीरा वाइट को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रही है। तो वो बीरा का ऑफकोर्स एक बड़ा फैन फॉलोइंग है, बड़ा बेस है, बट वाइट आउल स्पार्क जो है जिसका रिव्यू कुछ ही दिनों पहले मैंने किया है, अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए, वो काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रही है। एंड एक एक टाइप का कंपैरिजन बन जाता है, दोनों इंडियन बियर है और दोनों ही बेल्जियन स्टाइल वीट बियर है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पेसिफिकली इस कैन की। 500 ml का कैन है जिसकी प्राइस है 190 इन मुंबई महाराष्ट्र, और इसकी एल्कोहल स्ट्रेंथ है नॉट एक्सीडिंग 5%। सो एक लाइट बियर है, माइल्ड बियर है। इफ यू टॉक अबाउट इंग्रीडियंट्स ऑफ दिस बियर, इसके अंदर यूज हुए हैं बार्ले, वीट, ओट्स, स्पाइसेस, जिसके अंदर ऑफकोर्स एक वीट बियर है तो ऑरेंज पील और कोरिएंडर यूज हुए हैं, उसके साथ साथ हॉप्स और यीस्ट एंड पानी होगा ऑफकोर्स। सो या दीज आर द इंग्रीडियंट्स व्हाट दे हैव यूज्ड टू मेक दिस बियर। और चलो अब इसे ओपन कर लेते हैं, हम देखते हैं कैसी दिखती है, कितनी अच्छी है पीने में। राइट, सो कलर की बात करूं, कॉपर सा कलर है या कुछ से प्रीटी मच येलो कलर है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, क्लाउडी है, हेजी है, कार्बोनेशन अच्छा है, डिसेंट कार्बोनेशन आई वुड से। और या हेड भी फिलहाल तो कुछ मैंने ऊपर से पोर करी है, बट या आई कैन सी हेड, गुड हेड एज वेल। सो चलो नोजिंग करते हैं, अरोमा लेते हैं कैसा है। ऑरेंज पील सबसे बेहतरीन, एकदम बढ़िया सी खुशबू आ रही है ऑरेंज पील की। सो या वीट का जो नोट होता है व्हाट आई एम गेटिंग ऑन द नोज, हल्की सी हॉपीनेस आई एम गेटिंग ऑन द नोज। या सो चलो अब पीकर देख लेते हैं इसे। चीयर्स। फ्रूटी, जैसा कि नोज पे मुझे ऑरेंज का टेस्ट आ रहा था, सी आई वुड से ऑरेंज का टेस्ट मुझे काफी अच्छे से आ रहा है, एंड इसके साथ साथ आई गॉट कोरिएंडर एज वेल ऑन माय पैलेट, सो कोरिएंडर का टेस्ट जो है वो भी आ रहा है। लेट मी टेक अनदर सिप। सिट्रसी फ्लेवर है एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी बिटरनेस, जो हॉप्स का टेस्ट होता है जो यूजुअली बियर हॉप्स की वजह से थोड़ी सी बिटर होती है, सो ऐसा कुछ भी बिटरनेस जो है वो मुझे फील नहीं हो रहा है फ्रॉम दिस बियर। आई वुड से क्वाइट रिफ्रेशिंग
अच्छी है ये बियर एंड स्मूथ भी है, थोड़ी सी क्रंची है आई वुड से, और आई वुड से क्रिस्प है, एंड आई थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ ओट्स. दो ओट्स का कोई एक प्रोमिनेंट फ्लेवर नहीं मिल रहा है मुझे, बट आई थिंक उसकी जो क्रिस्पनेस है वो आई कैन डिफाइन और आई कैन फील. सो सर्टेनली यू कैन ट्राई दिस बियर. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर ली होगी ये बियर. ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो बियर पी रहे हैं या बियर पीते हैं जिन्होंने बीरा वाइट को ट्राई नहीं किया होगा. और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि यू नो वाइट आउल स्पार्क जो है वो इसे सीधा कॉम्पिटिशन देती है, और कुछ ही दिनों पहले मैंने उसका रिव्यू भी किया था. तो यू नो अगर कंपेरिजन की बात आती है तो आई थिंक मुझे इन माई पर्सनल ओपिनियन वाइट आउल स्पार्क जो है वो इससे बेटर लगी थी. जरा सा डिफरेंस होगा, 19-20 का डिफरेंस होगा या 18-20 का डिफरेंस होगा, बट आई थिंक मुझे वाइट आउल स्पार्क इससे थोड़ी बेटर लगी थी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीरा वाइट यू नो एक बुरी बियर है. ऑफकोर्स अनडाउटेडली बहुत ही बेहतरीन बियर है, और यू नो आपको अगर कहीं पे वाइट आउल स्पार्क नहीं मिल रही है, आप उसके फैन है, तो आप बीरा वाइट को पी सकते हैं. अगर आपको बीरा वाइट कभी नहीं मिल रही है और आप बीरा वाइट के फैन है, तो आप वाइट आउल स्पार्क के साथ जा सकते हैं. दोनों ही इंडियन बियर है जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था. सो आई थिंक वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो सबसे पहले लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, एंड बस आज के लिए इतना ही. दिस वॉज जस्ट साइनिंग ऑफ फॉर द डे. विल सी यू नेक्स्ट वीडियो. चीयर्स.